जय श्री राधे एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। आज मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप अपने लाला लाली गोपाल जी और माता रानी, मतलब जिनके भी भगवान जी हमारे पास आए हुए हैं मेकओवर के लिए, श्रृंगार के लिए, तो आप सभी इस वीडियो के थ्रू इनसे मिल सके, क्योंकि डेली पिक्स शेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड वीडियो कॉल्स हम कहते हैं कि आप कर सकते हैं, बट उस पर भी जो कॉल है वो पूरे दिन बिजी होता है, क्योंकि सभी की इंक्वायरी जारी होती है। तो आज मैं आप सभी को आपके जो कान्हा जी हैं, राधा रानी हैं, ठीक है, आप सभी के जो छोटे छोटे गोपाल रखे हैं, सो हमारे पास मेकओवर के लिए, तो आप उन सभी से मिल सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और आप देख सकते हैं कि जो इनका वर्क है वो कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबका जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है एंड कईयों का तो फिनिश भी हो चुका है, बट कोटिंग को सूखने में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम लगता है, और पेंट को सूखने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये देखिए माता रानी आई है हमारे पास, ये दुर्गा माता है, और ये देखिए, और ये देखिए, ये हमारे पास शंकर जी आ रखे हैं, महादेव, और ये प्यारे से सुंदर से कान्हा जी। मैं इनके ऊपर क्लोज करती हूँ। जब ये आए थे तब ये बिल्कुल ही अलग थे, लेकिन अब ये इतने क्यूट और इतने नटखट लग रहे हैं। और ये देखिए प्यारे से श्याम सुंदर, ये देखो कैसे देख रहे हैं ना कैमरा में। और ये माता सरस्वती आए हैं हमारे पास वसंत पंचमी के लिए। सो इनकी ये जो डिमांड थी कि कि इनके जो वस्त्र बने हुए हैं वो उसी तरीके से बने होने चाहिए जैसे कि बने हुए हैं, और जस्ट इनको कोटिंग चेंज करानी थी, मीन्स स्किन टोन जो था वो चेंज कराना था। बट आई वोंट प्रेफर कि आप कुछ ऐसा कराएं, क्योंकि अभी कुछ ही, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा ये जो इनके ऊपर पेंट हो रखा है, ये थोड़े दिनों बाद, या मतलब कि 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद इससे पुराना लगने लगेगा, मीन्स तो वो फेडेड लगेगा। अगर आप कलर करवाना चाहते हैं सो इक्वली करवाइए, बट जैसा उनकी मर्ज़ी उन्होंने करवाया और जैसे माता रानी की मर्ज़ी उन्होंने वैसा करवा लिया। तो ये देखिए ये प्यारी सी सरस्वती माता हमारे पास आई हुई है, और मैं इनके हाथों पे क्लोज करना चाहूँगी, क्योंकि इनके हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे हाथ, मतलब मैंने आज तक ऐसे हाथ नहीं देखे हैं माता के। माता के बहुत सुंदर सुंदर हाथ होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साक्षात हाथ लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और आप सभी के कान्हा जी आ रखे हैं, कल जो आए थे हमारे पास हमारे कस्टमर, सो वो ये वाले गोपाल जी हमें देकर गए थे और बोल के गए थे, थोड़ा इमोशनल हो गए थे इनको छोड़ते हुए। और ये जो पीछे जो सुंदर से खड़े हुए युगल सरकार जी हैं दोनों, तो इनको छोड़ते हुए थोड़ा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मैं कैसे रहूँगी, बट स्टिल वो उनको छोड़ने आए हमारे ट्रस्ट पे। सो थैंक यू कि आप सभी हम पर इतना ट्रस्ट करके इनको छोड़ते हैं, ठीक है। और आज मैंने इन सब के लिए, ये भी अभी आए हैं, छोटे से गप्पलू सी राधा रानी और छोटे से प्यारे से श्याम सुंदर, ये देखिए, ठीक है। और आज मैंने इन सभी के लिए कटलेट बनवाए हैं, आलू का हलवा ऑलरेडी, मुझे नहीं पता क्यों, मगर आलू का हलवा इन्होंने पहले ही खा लिया और उसके बाद कटलेट बनवाया, अब मुझे नहीं पता क्यों। तो कान्हा की जो श्रृंगार की वीडियो है वो नेक्स्ट होगी, जो अपकमिंग है, जो इसके बाद अपलोड होगी, क्योंकि उनका, जैसे मैंने, अगर जिसने भी हमारा इंस्टाग्राम लाइव ज्वाइन किया होगा उन्हें पता होगा कि कान्हा का मेकओवर हो रहा है, क्योंकि जो बाके बिहारी वाला श्रृंगार था वो हमने टेम्प्रेरी किया था, सो अब उसको रिमूव कर दिया है और उनका मेकओवर हो रहा है। और उनका जो न्यू मेकओवर हुआ है वो बहुत सुंदर हुआ है, उनका जो दर्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, श्रृंगार दर्शन वाली ही वीडियो होगी वो, जिसमें श्रृंगार होगा उनका सुंदर सा। अब हम इनको कटलेट्स खिलाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को चिंता होती है इस बारे में, पता नहीं कान्हा कैसे होंगे, क्या, मतलब सभी को होगी, आई कैन अंडरस्टैंड कि अपने कान्हा जी को छोड़ना बहुत मुश्किल है, मगर ट्रस्ट मी, मैं इन
सभी का ध्यान वैसे ही रखती हूँ जैसे कि मैं अपने कान्हा का रखती हूँ। बट ये है कि ये मेकओवर होने के लिए आए हुए हैं, तो जब कलर होता है तो इनकी स्नान की सेवा नहीं होती। अगर ये मेकओवर के लिए आए हैं तो इनका मेकओवर ही होगा, स्नान करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कॉल पे ये चीज़ें कि अच्छा ठीक है सेवा होगी तो क्या स्नान की सेवा होगी, तो उनको बताना पड़ता है कि जब पेंट होने के लिए आए हैं, अपना श्रृंगार कराने के लिए आए हैं, तो स्नान पॉसिबल नहीं हो पाएगा उस टाइम पे। तो ये देखिए इनका जो मेकओवर है ये अभी कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक इसको 2-3 डेज लगेंगे क्योंकि विग्रह काफ़ी बड़ा है। और ये जो गिरधारी हमारे पास आए हुए हैं इनका मेकओवर हम ही ने किया था। अगर आप लाइव पे जुड़े होंगे हमारे साथ, अगर आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया होगा तो आपने देखा होगा कि इनका मेकओवर पहले वाला जो था वो भी हम ही ने किया था। और अब ये दोबारा हमारे पास आए थे आफ्टर 1 ईयर, और ज़्यादा नहीं हिला था इनका मेकओवर, बहुत कैसे रखा गया था, बस लिप्स पे से थोड़ा सा मतलब लाइट हुआ था, वो भी जस्ट बिकॉज की जो कोटिंग होती है वो हल्की हो जाती है। और ये देखिए गौ माता पे डबल कोटिंग हुई है, ये ब्रास की ही थी। तो इन सभी के जो श्रृंगार जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर करने वाली हूँ, जैसे मैं यूजुअली शेयर करती हूँ। और अब तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस इनका श्रृंगार करते हुए मैं बना सकूँ इनकी, और आप सभी को शेयर कर सकूँ, क्योंकि सभी बहुत खुश होते हैं। सो आप सभी को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब का अच्छे से ख्याल रखती हूँ, ठीक है। ये सभी अपनी मर्जी से आए हैं इधर, बल्कि ये जो युगल सरकार जी हैं इनको जो भक्त लाए थे तो उन्होंने तो ये बताया कि उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ जो ये जो दिख रहे हैं आपको ये बड़े वाले युगल सरकार जी, तो ये उन्होंने भेज दिए थे मगर वृंदावन के रास्ते में से मिड में से वापस आ गए। ये मेकओवर करवाने के लिए जा रहे थे लेकिन ये मिड में से वापस आ गए 1 साल पहले। आई डोंट नो टाइमिंग कब की थी, कब की बता रहे थे वो, बट उन्होंने बताया ऐसा कि इन्होंने पता नहीं क्या मतलब कि वो जो इंसान वृंदावन जा रहा था वो इनको लेके वापस आ गया, कि मन ही नहीं किया कि मैं वृंदावन जाऊँ। अब मुझे नहीं पता हाउ इज़ इट पॉसिबल, मगर जिसके घर में कान्हा जी हैं उन्हें पता होगा कि ये कैसी कैसी शैतानियाँ करते हैं, कैसी कैसी लीलाएँ करते हैं। तो ये सभी अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि इनको करवाना था श्री श्याम श्रृंगार से, तो ये श्री श्याम श्रृंगार में ही आए हैं, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सभी यहाँ के बहुत खुश होते हैं, और कभी कभार तो सपने में भी ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सारे बैठ के रात खेल रहे हैं। अगर सुबह मेरे को 10-5 मिनट लेट हो जाता है उठने में तो मतलब कि ये शैतानी करते हुए दिखने लग जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये देखिए इन सभी का मैं अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और अब मेरे को इनको भोग लगाना है। जस्ट मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि आप सभी देख सके अपने कान्हा जी को और तसल्ली दे सकें कि वो इतने सारे कान्हा जी और माता रानी और शंकर जी और जितने भी देवता ब्रह्मांड में वो सभी यहाँ आ रखे और अपनी सेवा ले रहे हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि सभी यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और जब मेकओवर कंप्लीट हो जाएगा तो ये आप ही के पास आने, तो अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप रिलैक्स रहिए, इंतज़ार कीजिए। और एक और बात, अपने घर से ही मन से ही कान्हा जी को बोल दीजिए कि कान्हा जी वहाँ पे जाके कोई शैतानी मत करना, और जल्दी से मेकओवर करवा के ड्राई करके आराम से हमारे पास आ जाना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि नॉर्मली जो कोटिंग होती है वो 1 या 1.5 दिन में सूख जाती है, मगर कई बार जो लड्डू गोपाल जी हैं वो ऐसी लीला करते हैं कि 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, वो सूखती ही नहीं है। मतलब मेकओवर कंप्लीट हुआ 4-5 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है,
इनको यहाँ पे बिठा के हमें कोई फायदा नहीं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। जस्ट ये है कि अगर ये बैठ जाएंगे तो आपका मनी भी वेस्ट जाएगा और हमारी जो मेहनत है वो भी बेकार जाएगी और इनका श्रृंगार भी खराब हो जाएगा। सो जय श्री राधे, मैंने आपको सभी कान्हा जी के दर्शन करवा दिए हैं और मेरे कृष्ण और मीनाक्षी के जो दर्शन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में होंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, अब जो गरम कटलेट है वो मैं खिलाती हूँ क्योंकि वीडियो बनाते बनाते थोड़े ठंडे हो गए हैं। ठीक है, जय श्री राधे।